जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का अपने परिवार संकल्प क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग मैथ का सीरीज स्टार्ट किए हैं, बहुत से टॉपिक किए हैं और हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। एक प्रैक्टिस सेट आप लोग देख चुके हैं, आज हम लोग हल करते हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट। देखिए एसएससी के जो एमटीएस के एग्ज़ाम है या फिर जो सीएसएल चल रहा है, इन सब में काफ़ी कारगर होगा ये प्रैक्टिस सेट। देखिए हम लोग आज जो हल करते हैं, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया जो सवाल है उसको हम लोग हल करेंगे, और इस तरीके से हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसका सेशन आगे चलता रहेगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग पहला सवाल क्या कहता है। कह रहा है 7 और 63 के बीच माध्य अनुपातिक क्या है, 7 और 63 के बीच माध्य अनुपातिक क्या है। देखिए चाहे आप माध्य अनुपातिक के चाहे मध्यानुपात के, ये दोनों बात एक ही होता है। देखिए कह रहा है 7 और 63 का, जब दो चीज़ का हमेशा पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे और उसका क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट। तो 7 × 63 कर देंगे, फिर इसका अंडर रूट निकाल दीजिए। देखिए कितना आएगा, 7 × 3 = 21, 7 × 6 = 42 और 2 = 44, कितना आ गया, 441। अब 441 आ गया, इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, कितना आएगा, 21 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आसान से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, माध्यानुपातिक निकाल सकते हैं। ठीक, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव में यदि पुरुषों और महिलाओं के अनुपात 3:2 है तो गाँव में पुरुषों का परसेंट कितना है। देखिए क्या दिया है, गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, मतलब पुरुष और महिलाओं का अनुपात, पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:2। कहने में लगा 3 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं, 2 हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, तो पुरुषों का प्रतिशत कितना होगा, देखिए कितना होगा। देखिए पुरुष हैं कितना, 3 हैं, पुरुष कितने हैं, 3, लेकिन कितने में से, अगर 3 पुरुष हैं 2 महिलाएं हैं तो टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे। अर्थात गांव की जनसंख्या हम कह सकते हैं रेशियो के हिसाब से कितनी है, 5 है। तो टोटल जो 5 है उसमें से 3 क्या हैं, पुरुष हैं। इनका परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 = 0 और 20 × 3 = 60, कितना परसेंट आ जाएगा, 60% आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, देखिए कुछ करना नहीं है, पुरुषों महिलाओं का अनुपात लिख दीजिए, पुरुष 3 है महिला 2 है, तो अगर पुरुष 3 महिला 2 है कितने में से, 5 में से, क्योंकि टोटल तो हमारा दोनों जोड़ेंगे अनुपात 5 आएगा ना, तो 5 में से हमसे पुरुषों का अनुपात पूछ रहा है, पुरुष को ऊपर लिखिए, टोटल जनसंख्या नीचे लिखिए, परसेंट लाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, इसको हम लोग काट देंगे, कितना आ जाएगा, 60%, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है एक परीक्षा में 6 छात्रों द्वारा प्राप्तांक 76, 79, 84, 88 और 85 है, समूह के औसत अंक क्या हैं। देखिए 6 छात्र द्वारा पाए गए हैं, कितना कितना पाए हैं ये लोग, एक छात्र पाया है 76, दूसरा छात्र पाया है 68, तीसरा छात्र पाया है 79, एक छात्र पाया है 84 और फिर एक पाया है 88 और एक छात्र कितना पाया है 85, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 6 छात्रों द्वारा ये सब अंक पाया गया है, हमसे पूछ रहा है पूरे समूह का औसत अंक क्या होगा, पूरे समूह का। अब देखिए औसत निकालना है, औसत के लिए तो एक फार्मूला होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, लेकिन अब जब तक हम लोग सबको जोड़ते जाएंगे तब तक हमारा टाइम ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हम लोग इसके लिए समय बचाने के लिए क्या करते हैं, जिसका मन करे आप इसमें से चाहे जिसको क्या मान लीजिए, एवरेज मान लीजिए, जिसका मन करे इसको, हम मान लेते हैं कितना 79 को, हम लोग क्या मान लेते हैं कि हमारा एवरेज है 79 को, जो हम एवरेज मान लेंगे। अब चेक करेंगे, देखिए ये 68 है तो एवरेज से कितना कम है, तो 68 × 69, 69 × 10 = 79, मतलब एवरेज में इसमें कितना है कम है, 11 कम है। ठीक, पहले एवरेज कोई मान लीजिए, फिर तुलना करिए सब संख्या को, 68 को तुलना की तो एवरेज से कितना कम है, 11 कम है, तो लिख दीजिए -11। 76 को देखिए एवरेज से कितना कम है, 76 × 3 = 79, -3 कम है, तो -3 कम है, ये -11। इसको देखिए तो 79, 80, 84, मतलब ये 5 एवरेज से 5 ज़्यादा है, तो ये +5 हो जाएगा।
88 को देखिए, तो ये 9 ज़्यादा 79, एक 80 और 88, तो ये 9 ज़्यादा है, ये प्लस 5 ज़्यादा है, प्लस 9 ज़्यादा है, इसको देखेंगे तो ये कितना ज़्यादा है, प्लस 6 ज़्यादा है। ठीक, इस प्रकार से फिर से समझिए, चाहे जिसको आप मान सकते हैं, इसमें आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो हमने मान लिया 79 को एवरेज है, तो देखिए इसका तो 0 ही रहेगा, एवरेज है, तो ये माइनस 11 कम है, ये 3 कम है, ये 5 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। अब जो हमारा एवरेज होगा वो क्या होगा, तो 79 तो हमारा पहले से है एवरेज, हम इसको माने हैं। अब देखिए 11 और माइनस 3 माइनस वन, ऐसे कितना हो जाएगा, आप सबको मतलब ऐड करना है, इन सबको एक प्रकार से ऐड कर लीजिए, ऊपर लिखे हैं, तो कितना होगा, माइनस 3 माइनस 11 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 6, देखिए कितना आ जाएगा, 11 3 14 और 9 5 14, तो 14 में से 14 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 6 आपका बच गया, कितना बच गया, प्लस 6। तो यहीं पर जो प्लस 6 बचा है, इसको प्लस करके ये जो 6 है कितने लोगों में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 6, जितना एवरेज दिया है, जितना संख्या दिया इसी को भाग कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा, मतलब 79 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 80, हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, 80, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर से समझिए, इससे हमारा टाइम बचता है, किसी को भी आप एवरेज मान दीजिए, उसके बाद जो कम संख्या है देख लीजिए कितना कम, माइनस 11 माइनस 3 कम है, प्लस 5 ज़्यादा है, प्लस 9 प्लस 6, उसके बाद क्या करेंगे, इन सब का योग कर दीजिए, जो माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, 11 3 माइनस 14 हो जाएगा और 9 5 14, तो 14 में से जब 14 चला जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 6 हमारा बढ़ जाएगा, तो जो बढ़ गया या जो घटा होगा उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और कितने लोगों में वो चीज़ डिवाइड होगा, जितने लोग रहेंगे, संख्या जितनी उतने भाग दे दीजिए, एक मिल गया प्लस में, उसी जो एवरेज माने थे उसी में जोड़ दीजिए, एवरेज कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है, निम्न को हल करें, निम्नलिखित को हल कीजिए, इसमें क्या हल करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखिए कितना कितना दिया है सिंप्लीफिकेशन वाला, 21 प्लस 7 माइनस 3 ब्रैकेट में 8 प्लस 91 फिर माइनस 98 बटे 2 प्लस 21 प्लस 9 गुणे 3 माइनस 6 इस ब्रैकेट में है बटे 21, इसको हमको हल करना है। देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करिए, और उसके पहले बोर्ड मास का नियम होता है, सबसे पहले भाग करिए, गुणा करिए, जोड़ करिए, घटाओ, तो सबसे पहले ब्रैकेट में वाला, जो ब्रैकेट में है ब्रैकेट में कर लीजिए, जो बाहर है बाहर कर लीजिए। देखिए बाहर वाला कैसे, देखिए प्लस प्लस है, दोनों को जोड़ सकते हैं, 21 7 कितना हो जाएगा, 28, ये 28 बन जाएगा, ये माइनस लगाइए। अब देखिए 8 है और प्लस 91, 91 और 8 कितना हो जाएगा, 99, तो 99 जब इसका योग बन जाएगा, तो हम लोग 99 को 3 देखिए बाहर है, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 नवा 27 और 3 नवा 27 कितना हो जाएगा, 28 और 29। ठीक, माइनस लगाइए, देखिए इसको हम लोग हल करें, बटे में दिया है, 2 से भाग कर दीजिए, 2 चौक 8 2 नवा 18, प्लस लगाइए। अब देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, अब ब्रैकेट को हल करने से पहले ही हम लोग ब्रैकेट में देखिए पहले गुणा को हल करेंगे, फिर जोड़ को, फिर घटाओ को, तब जब इसको हल करेंगे कितना आएगा, 9 त्रिक 27, 27 हो जाएगा, और देखिए 21 है तो कितना बन जाएगा, 21 और इसके स्थान पे कितना आ जाएगा, 27, 21 प्लस 27 माइनस 6 और बटे में कितना है, 21। ठीक है, अब इसी को जोड़ लीजिए, देखिए 21 और 27 को जोड़ेंगे तो 7 एक 8 और 2 2 4 कितना बन जाएगा, 48, 48 में से जब 6 घटा देंगे, 48 माइनस 6 बटे 21, ये हमारा कितना बन जाएगा, 48 में 6 गया 42 बन जाएगा, 42 बटे कितना है, 21, 21 से काट देंगे, 21 दूना 42, इसका मान कितना आ गया, 2। अब इधर हमारे इतने स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2, उसके पहले देखिए 28 है, ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 9 7 16 और 9 4 13 1 14 2 1 3 माइनस हो गया। इधर देखिए इसके स्थान पे क्या हमारा आया था, केवल 2, तो प्लस 2। अब देखिए इसमें इसके आगे कुछ नहीं लगा, तो ए प्लस रहेगा और 2 प्लस है, तो प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएगा, तो 28 2 30 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 30 माइनस 346। अब देखिए ये माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, तो माइनस वाले में से प्लस वाला घट जाएगा, तो 346 में से जब 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 में से 0 गया 6, 4 में से 3 गया 1 और 3 अपने आप बच जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ा वाले का लगेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस 316, आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 316, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ठीक। इसमें देखिए इतना ध्यान देना होता है कि सबसे पहले भाग को करिए, फिर गुणा को, फिर जोड़, फिर घटाओ। उससे पहले कि जो जहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा है उसको हल करिए, जहाँ पर छोटा लगा है उसको हल करिए, बाकी जो बाहर है उसको अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा, जहाँ पर पाई का मान क्या दिया है 22/7, 4.2 सेंटीमीटर व्यास दिया है। देखिए अर्धगोले का क्या निकालना है, आयतन। तो हमारा एक फार्मूला होता है क्या, अर्धगोले का जो आयतन होता है क्या होता है, देखिए पूरे पहले गोले का होता है, अर्धगोले जो होता है 2/3 πr³। देखिए पूरे का होता है 4/3 πr³, अर्धगोला होता तो आधा हो जाएगा, तो 4/3 में जब 2 से भाग करेंगे 2×2 = 4, 2/3 πr³। अब देखिए हमको इसी पे लगाना है, तो इसमें हमको देखिए 2/3 पता है, पाई का मान 22/7 दिया है, आर हमको चाहिए। अब आर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको देखिए क्या दिया है, व्यास, व्यास कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, तो इसका आधा कर दीजिए, 4.2/2 कितना जाएगा, 2×2 = 4, 2×2 कितना जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर। अब इसी को रख दीजिए इस फार्मूले में, हमारा आ जाएगा देखिए कैसे, 2/3 × π = 22/7 हो जाएगा, इंटू आर का मान कितना, 2.1³ है, मतलब 3 बार गुणा करना है, 3 बार कर दीजिए, 2.1 × 2.1 × 2.1 काट दीजिए, देखिए 7×7 = 7, 7 * 3 = 21 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव आ जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा लेकिन एक बचेगा, तो एक अंक पे दशमलव रहेगा। अब देखिए इसको कैसे कहते हैं, देखिए कुल गुणा में क्या होता है, दशमलव जुड़ता है, तो एक अंक पे यहाँ है, एक अंक पे यहाँ है, एक अंक पे यहाँ है, तो गुणा में कितने अंक पे आएगा, 3 अंक पे आएगा। तो उसके पहले देखिए इसका गुणा इससे कर दीजिए, 22×2 = 44 हो जाएगा, और गुणा कर दीजिए किसका, 21×21 = 441, और 441×1 = 441, ये बन जाएगा 441। और अंक कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 1, 2 और इसका 3, 1, 2, 3। अब दोनों का गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आता है, यहाँ से 44 से गुणा कर दीजिए इसको, देखिए कितना आएगा, 4×1 = 4 बन जाएगा, फिर 4×4 = 16, 4×4 = 17, फिर करेंगे फिर वही आएगा 6×4, इसको ऐड करेंगे कितना बनेगा, इधर लिखते हैं हम लोग, 4 बन जाएगा, 6×4 = 10 बन जाएगा, और 7×4 = 11, 1×12 बन जाएगा, और 7×1 = 8, 4 बन जाएगा, 6×4 = 10 बन जाएगा, 7×6 = 13, 1×14 बनेगा, ठीक, 7×1 = 8 और 1×9 बन जाएगा, और 1 इधर बन जाएगा, लेकिन इसको देखिए दशमलव कितने अंक पे आएगा, 1, 2, 3 अंक पे, तो 1, 2, 3 तीन अंक पे दशमलव बन जाएगा, आंसर हमारा कितना जाएगा, 19.404, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, सी वाला। और देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो आर है हमारा वो सेंटीमीटर में है, जब सेंटीमीटर यहाँ भी लगेगा, यहाँ यहाँ, जब तीनों का गुणा होगा तो लास्ट में हमारा आंसर में क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, यही चीज़ अगर एरिया में होता, क्षेत्रफल में होता, तो क्षेत्रफल में क्या होता, 2 बार रहता, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाता। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संख्या 6.195 के ऊपर बार को एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए एक साधारण भिन्न में बदलना है किसको, कितना दिया है 6.195 इसी के ऊपर बार है। देखिए इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, इसके पहले हम लोग बताए पिछले सेट में, सबसे पहले क्या करना है, जो दशमलव लगा है उसके पहले जो है उसको प्लस से जोड़ लीजिए, जो दशमलव उसके स्थान पे क्या लगा दीजिए, प्लस, बाकी वाले संख्या को लिख लीजिए 195। अब देखिए जिसने ऊपर बार नहीं है, कितने पे बार नहीं था, 19 पे, बाकी 5 पे बार है, दशमलव के बाद ही, इसके पहले नहीं लिया जाएगा, तो जिस पे बार नहीं है 19 पे, तो उसको क्या कर दीजिए, इसी में से माइनस कर दीजिए, और बटे में जितने पे बार है उतनी बार 9 लिख दीजिए, और दशमलव के बाद जितने पे बार नहीं है उतनी बार 0, तो 1, 2 पे बार नहीं है तो 2 बार क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब इसी को हल कर दीजिए, देखिए 6 + कितना आएगा, देखिए यहाँ से घटाइए, 15 में से 9 जाएगा 6, 8 में से 1 जाएगा 7, 1 बच जाएगा, बटे में क्या है 900 है। ठीक, अब देखिए इसको हल करने के लिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए, उसके बाद प्लस से इतना जोड़ दीजिए, चाहे इसी को हम लोग काट सकते हैं यहीं पर, देखिए कितने से कटेगा,
इसको हम लोग काट सकते हैं चार, चार से काट दीजिए, देखिए चार चौक सोलह और चार चौक सोलह कट जाएगा आराम से। इसको देखिए चार दूना आठ एक बचा, फिर चार दूना आठ दो बचा, चार पंजे बीस, ये कितना आ जाएगा छः प्लस चौवालीस बटा दो सौ पच्चीस। अब देखिए अब ऐसे ही रहने दीजिए इसको, क्योंकि हमारा ऑप्शन इसी में दिया है। अब चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं छः सही और चौवालीस बटा पच्चीस दो सौ पच्चीस, क्यों, क्योंकि चाहे यहाँ पर प्लस लिखा लगाइए या पर सही लगाइए दोनों को हमको क्या करना होता है इसका गुणा करके इतना जोड़ना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ए हमारा सही हो जाएगा छः सही चौवालीस बटे दो सौ पच्चीस। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए क्या कह रहा है, पंद्रह व्यक्ति प्रतिदिन पाँच घंटे काम करके एक काम को पूरा करने में छः दिन का समय लेते हैं, काम को छः दिन में पूरा करने के लिए अट्ठारह पुरुषों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। देखिए इसमें आदमी वाला तो इसका फार्मूला होता है चाहे से समझिए, यम वन डी वन और यच वन, यम वन डी वन यच वन बराबर लिख सकते हैं यम टू डी टू और यच टू, मतलब मैन दिन हावर मैन दिन हावर, ठीक दोनों में। देखिए पहले में क्या कर रहा था, पंद्रह व्यक्ति प्रतिदिन, तो पंद्रह व्यक्ति मैन कितने हैं पंद्रह, प्रतिदिन काम करते हुए पाँच घंटे यच वन के स्थान पे पाँच लिख दीजिए, कितने दिन में पूरा करते हैं छः दिन में, दिन का मतलब छः रख दीजिए, बराबर कह रहा है कि अट्ठारह पुरुषों को छः दिन में ही पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना होगा, मान लीजिए यच टू घंटे काम करना होगा। अब इसी को हल करिए, अब काट दीजिए इसी को, देखिए कितना कटेगा, देखिए छः से छः कट जाएगा और क्या कट जाएगा तीन छक अट्ठारह तीन पचे पंद्रह, इसका गुणा कर दीजिए पाँचम पच्चीस और देखिए छः उधर गुणा में इधर नीचे चला आएगा बटे में बराबर एस टू। अब इसी को भाग दीजिए, देखिए छः चौके चौबीस कितनी बार जाएगा, छः चौके चौबीस चार एक हासिल बचे मतलब एक शेष बचेगा, एक ऊपर ही जाएगा छः नीचे चार सही एक बटे छः, हमारा कितना घंटा काम करना होगा प्रतिदिन उसे चार सही एक बटे छः आवर प्रतिदिन काम करना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को उस अंकित मूल्य पर 16% की छूट अनुमन्य करता है, तो उसका लाभ परसेंट है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना। देखिए बताया था आपको तीन चीज होता है, एक एमपी होता है मार्केट प्राइस, एक सीपी होता है कास्ट प्राइस, एक एसपी होता है सेलिंग प्राइस। जो दाम हम लगाते हैं, जो दुकानदार लगाता है उसका क्रय मूल्य होता है, और जो दाम वो उस पर प्रिंट करता है लाके खरीद के उसका मार्केट प्राइस बन जाता है, तो वही चीज़ कह रहा है कि अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो अगर हम क्रय मूल्य उसका 100 मान लेते हैं तो मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य इसी को कहते हैं कितना हो जाएगा 140, 40% अधिक। देखिए 100 पे जितना अधिक कहता है उतना जोड़ देते हैं, जितना कम कहता है उतना घटा देते हैं। अब जो हमारा छूट मिलता है वो मार्केट प्राइस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पे मिलेगा, जो लाभ हानि होगा किस पे होगा क्रय मूल्य पर होगा। अब हमसे कह रहा है 16% की छूट अनुमन्य करता है, तो जब इस पे 16% की छूट दिया जाएगा किसका 140 पे, तो 140 का कितना बिकेगा, तो 140 का 16 का छूट हो जाएगा, तो 100 में से 16 घर के कितना बचेगा 84, तो इसका कितने बिकेगा 84% पे, तो सीधे इसका कितना निकाल दीजिए 84% गुणे 84 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, गुणा कर दीजिए देखिए कितना आएगा 14 चौका 56 और 14 अट्ठे 112 और 12 5 17 कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। अब देखिए नीचे 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, एक अंक पे यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव लग जाएगा। अब देखिए हम लोग क्रय किए हैं 100 में, दाम रखे हैं 140, बेच रहे हैं 117.6 में। अब बताइए आपको तो दिख रहा है 16% की छूट, लेकिन वो कितना लाभ ले लिया, यहाँ 100 का खरीदा था और बेच दिया 117.6 में, तो देखिए इससे कितना अधिक है 17.6 अधिक है, इसलिए हमारा लाभ जो हो जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा 17.6%, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, इसमें से 70 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल जो कक्षा में लोग कितने हैं
कक्षा में क्लास में कितने लोग हैं? टोटल 160 विद्यार्थी हैं। 160 में से हमसे कह रहा है कि जो लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं 70, और इन्हीं का हमको क्या बताना है? प्रतिशत बताना है। अब लड़कियां कितनी हैं? 70, कितने में से? 160 में से। तो टोटल को नीचे रखिए, जिसका मान निकालना उसको ऊपर, लड़कियों का निकालना लड़कियों का ऊपर रख दीजिए, और परसेंट लाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, और काट दीजिए 2 3 6 और 2 5 10, इसको 2 4 8। अब गुणा कर दीजिए ऊपर का, 5 5 25, 5 3 15, 15 2 17, बटे कितना हो जाएगा? 4। इसका भाग कर दीजिए, कितना जाएगा? 4 4 16, 1 बचेगा, 4 3 12, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20, 43.75%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। देखिए, परसेंट निकालने में कुछ नहीं, जिसका भी पूछा जाए उसका ऊपर रख दीजिए, और टोटल जो होता है जिसमें से निकालना रहता है उसको नीचे रख दीजिए, और 100 से गुणा कर दीजिए। हल कर दिए, कितना आ गया? 43.75%। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, देखिए इसके लिए आपका कुछ पैटर्न फॉलो नहीं करता, सबको लिख के आपको जोड़ना ही पड़ेगा। सबसे पहला बस इतना रखना चाहिए, अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। प्रथम कह रहा है तो शुरू से लेंगे, 2 3 5 7 11। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो खुद से कटती हैं या तो एक से कटती हैं, यानी सबको जोड़ लीजिए। देखिए, 11 7 18 18 5 23 23 2 25, ओ 23 गड़बड़ गया, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, कैसे? 11 7 18 18 5 23 23 3 26 और 26 2 28, कितना जाएगा? 28 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। केवल सबको लिख देना है या सबको आप मन में ही जोड़ सकते हैं, बस क्या रहना चाहिए? आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, एक डीलर चीनी को 20% लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, कर क्या रहा है? चीनी को 20% पे लाभ बेच रहा है, और जितना तौलना चाहिए उससे 10% कम में तौल रहा है। देखिए, अगर हम लोग मान लेते हैं 120% लाभ पे, तो 100 का चीज को कितने में बेचेगा? 120 में, ठीक। और 10% कम वजन तौल रहा है, 10% कितना? कम। इसे 100 पे 10 कम करेंगे कितना बचेगा? 90। 100 पे 10 कम करेंगे 90, तो 100 से हम इसको लिए हैं, 100 पे 20 का लाभ 120 हो गया, तो वजन में 10 जब कम करेगा कितना बचेगा? 90। लेकिन तौलना कितना चाहिए था उसको? 100 तौलना चाहिए था, तो 90 तौल रहा है जबकि तौलना चाहिए था 100। अब देख लीजिए, इधर का गुणा आप इधर कर दीजिए, उधर का गुणा उधर कर दीजिए। अगर कट रहा तो काट सकते हैं। देखिए, जैसे एक जीरो से यहाँ, एक जीरो से यहाँ, फिर इसको यहाँ से काट दीजिए, इसको यहाँ से, इसको भी आप काट सकते हैं। देखिए, यहाँ से और यहाँ से टोटल गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा? 9 के 9, उधर कितना बच जाएगा? 12 1 के 12। अब देखिए, 9 की चीज़ को कितने में जा रहा है? 12 में, 9 की चीज़ को 12 में, तो लाभ कितने को हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है, कि 9 से होके 12 जा रहा है, तो 9 3 12, 3 का लाभ हो रहा है। किस पे होगा? हमेशा पहले वैल्यू पे, तो 9 पे हो रहा है। परसेंट आपका निकालना है तो 100 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, 3 1 के 3 3 3 का 9, 100/3 कितना आंसर आ जाएगा? 3 से भाग कर दीजिए, 3 3 का 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 का 9, 1 शेष बचेगा 3, अर्थात 33 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए क्या करना रहता है, सबसे पहले जितना लाभ ले रहा है आप उसका ऐसे लिख दीजिए, और जितना कम तौल रहा है, जैसे 10% कम, तो सीधे 100 पे मान लीजिए, तो 100 पे जब 10 कम करेगा कितना बचेगा? 90, तौलना कितना था? 100 पूरा। 20% कम तौलता तो 80 यहाँ लिख देते, 100 यहाँ लिख देते, इधर का गुड़ा इधर, इधर का गुड़ा इधर। अब देखिए, गुड़ा करके लिखते तो उसको वहाँ से काटते, हम डायरेक्टली काट दिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से इसको, और कट रहा और काट सकते हैं, जैसे 3 3 9 3 4
12 उसको भी आप काट सकते हैं, हमने नहीं काटा। उसके बाद देखिए 9 पे कितना लाभ हुआ, 9 से खरीदा 12 में बेचा तो 9 3 12 3 का लाभ हुआ, कितने पर 9 पर, 9 को नीचे रखिए, परसेंट लाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक कितना जाएगा 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस वृत्तखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको दिया है, त्रिज्या दिया है, कह रहा है चाप की लंबाई। देखिए समझिए वृत्तखंड होता क्या है, जैसे कोई वृत्त है आपके पास, उसके केंद्र है तो उसके त्रिज्या द्वारा, उसके त्रिज्या द्वारा जो एक खंड बनता है उसी को क्या कहा जाता है, वृत्तखंड। देखिए इसका जो त्रिज्या होता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसके द्वारा एक कोण का निर्माण होता है, इसको हम लोग थीटा मान लें, फिर यही वाला जो भाग होता है यही हमारा वृत्तखंड होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 मतलब 360, और यही चीज़ हमको दिया है, वो कितना दिया है 54 पाई, तो हम उसका मान रख देते हैं, कितना रख देते हैं 54 पाई। और देखिए हमसे क्या कहा था, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो जो त्रिज्या दिया है उसका कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान रख दीजिए यहाँ पर, उसके बाद हल कर लीजिए, देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ त्रिज्या, अब देखिए यहाँ से हम लोग थीटा बराबर करेंगे क्या आएगा, उधर 54 है 54 और 360 नीचे है, उधर ऊपर चला जाएगा 360 बटे में क्या आएगा आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 18, तो 18 गुणे 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 के 18, 18 तियाँ 54, 18 के 18, 18 दूना 36, 10 बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, थीटा का मान हमको कितना मिल गया 60 डिग्री। अब देखिए हमको तो निकालना क्या है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो एक हमारा फार्मूला होता है चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, चाप बराबर क्या होता है कोण गुणे त्रिज्या, अब इसी में रख दीजिए, चाप कितना है देखिए कोण कितना मान है 60 और त्रिज्या कितना दिया है 18, गुणा कर दीजिए कितना गया 18 छक्का 108 और 10 रख दीजिए 1080 आ गया, लेकिन जो हमारा ऑप्शन है वो रेडियन में दिया है, किस में दिया है पाई में, तो इधर हम लोग देखते हैं उसको, अगर पाई में दिया है कितना दिया है, देखिए हमारा आया है 1080, अगर इसको हमको रेडियन में बदलना है पाई में तो क्या करना होता है, इसी में पाई बटे 180 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, बस देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 18 के 18 छक्का 108 कितना बच जाएगा 6 पाई, आपका आंसर जो चाप की लंबाई मिल गई वो कितना आ गई 6 पाई, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, पहला वाला ऑप्शन नंबर ए सही। देखिए भाई फिर से समझ लीजिए कि कोई भी जो वृत्त होता है उसके त्रिज्या द्वारा जो भाग बनता है ये वृत्तखंड होता है, और इसमें एक थीटा होता है, इसी का क्षेत्रफल हमको निकाला जाता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर और जितना थीटा ये ले रहा है उतना थीटा अपान कितने में से टोटल 360 में से 360, इतना सूत्र होता है इसका पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, यही हमको दिया था कितना 54 पाई, इसका एरिया हम मान रख दिए यहाँ से, और यहाँ से हम लोग थीटा का मान ज्ञात कर लिए, देखिए सब का मान रखेंगे पाई स्पाई कर जाएगा, आर का मान रख देंगे थीटा मान कितना आ जाएगा 60 अंश, अब थीटा का मान आ गया तो हमारा सूत्र होता है चाप निकालना है, तो चाप बराबर क्या होता है कोण गुणे त्रिज्या, तो कोण हमारा 60 आया त्रिज्या है 18, गुणा कर दीजिए कितना आ गया 1080, लेकिन ऑप्शन जो हमारा है वो रेडियन में है, तो जब कोण से हम लोग रेडियन में जाते हैं यहाँ से देखिए हमको रेडियन में जाना है, तो पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए, अगर हमको पाई में आता पाई हटाना होता तो इसके उल्टा से गुणा कर देते 180 बटे पाई से, पाई से पाई कट जाता, लेकिन इससे उल्टा था, पाई बटे 180 से गुणा हो गया 0 0 कट गया 18 छक्का 108 कितना आंसर आ गया 6 पाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 35 मीटर चलती है तो किलोमीटर पर हावर में इसकी चाल ज्ञात कीजिए, देखिए दिया सीधे सीधे कि 9 सेकंड में 35 मीटर चलती है, तो 35 मीटर चलती है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी 35 है और समय कितना है 9 सेकंड, ये तो मीटर पर सेकंड में है, कैसे है मीटर में है, ये किस में है सेकंड में, हमसे किस में पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आप कितने से गुणा कर दीजिए 18/5 से गुणा कर दीजिए, सिंपल सा है, और अगर हमको किलोमीटर पर आवर में दिया होता मीटर पर सेकंड में बदलना होता तो इसका उल्टा से गुणा 5/18 से,
अब देखिए काट दीजिए, 9 के 9, 9 दूना 18, 5 1 के 5, 5 7 35, कितना जाएगा 7 दूना 14 किलो, कितना जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 14 किलोमीटर पर आवर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है x माइनस वन x² + 6kx - 7 का एक गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा? देखिए अगर हमसे कह रहा है कि x माइनस वन जो है ये किसका एक गुणनखंड है, x² + 6kx - 7, अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो इसका मान x जो है इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब यहाँ से अगर हम x बराबर क्या देखें, 1, इसको जो हम लोग करेंगे इसका मान 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 1। अगर x का मान हम इसमें रख दें तो इस समीकरण का मान क्या होना चाहिए, 0। 0 होगा तभी ये क्या होगा, उसका एक गुणनखंड होगा। तो 0 कर दीजिए, x² + 6kx - 7 बराबर क्या होना चाहिए, 0। कब? जब x का मान यहाँ रखिए, रख दीजिए x बराबर कितना आया, 1, तो 1 का स्क्वायर करिए 1 ही रहेगा, +6k यहाँ भी 1 हो जाएगा, -7 = 0। देखिए 1 का मान एक ही रहेगा, 1 + 6k - 7 = 0। देखिए -7 उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, और +1 उधर जाएगा माइनस में, तो 7 उधर जाएगा 7 हो जाएगा प्लस में, 1 जाएगा माइनस में, 7 + 1 = 6, बता 6k बराबर कितना हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, k का मान कितना आ जाएगा, 1, k का मान आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सही सी हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, बस अगर कहे इसका गुणनखंड है तो इसका गुणनखंड मतलब इसका जो मान होगा इसमें संतुष्ट करना चाहिए, इसका मान 0 होना चाहिए। तो 0 बनाने के लिए इसका मान बराबर कर दीजिए, x बराबर 1 आ जाएगा, x - 1 = 0 करेंगे जब, और वही मान यहाँ रख दीजिए, इसके बराबर 0 कर दीजिए, हल कर लेंगे, x मान रख के k का मान मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 2/3, 6/5, 5/4 का एलसीएम क्या निकालना है, लासा, किसका किसका, 2/3, 6/5 और 5/4 का। देखिए इसका लासा निकालना है, तो लासा निकालना है इसका एक कैसा चीज़ है, एक भिन्न है, क्या है, भिन्न है। जब हमको भिन्नों का लासा निकालना होता है तो क्या होता है, उसके जो अंश होता है, देखिए ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, अंश, नीचे वाले को हर, तो जब हमको इसको लासा चाहिए तो हम लोग क्या निकालते हैं, अंशों का लासा निकालते हैं और हरों का क्या निकाल लेते हैं, मासा, हरों का मासा। देखिए अगर लासा कहेगा तो ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा। देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसका लासा निकाला जाए किसका मासा, तो जब आपसे लासा पूछे, क्या पूछे, लासा, तो देखिए देखने में लोग जैसे रहते हैं, ऊपर से जैसे दिखते हैं वैसे रहते हैं, तो हमको लासा निकालना है तो ऊपर से ऊपर का लासा निकाल दीजिए, नीचे वाले का उसका अपोजिट निकाल दीजिए, हरों का क्या निकाल दीजिए, मासा निकाल दीजिए। ठीक, अगर मासा कहता तो ऊपर वाले का मासा, ऊपर से जैसा कहेगा वैसा कर दीजिए, नीचे का उसका अपोजिट कर दीजिए। तब देखिए 2, 6, 5 का लासा हो जाएगा, 2, 6, 5 का लासा हो जाएगा और बटे में 3, 5, 4 का मासा हो जाएगा। ठीक, देखिए कितना आएगा, 2, 6, 5 का लासा कितना आएगा, 6 × 5 = 30, 2 भी 30 से कट जाएगा, तो इसका लासा आ जाएगा 30 और 3, 5, 4 का मासा। मासा वह बड़ी बड़ी संख्या होती है जो तीनों को काट देती है, सबको काट देती है, तो इसमें से एक से अलावा कोई है नहीं जो सबको काट दे, ये सब अलग अलग संख्या रहती हैं, कॉमन नहीं रहता है, तो मासा हमेशा एक आता है। तो 30/1 कितना आंसर हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग ने इतना क्वेश्चन किया प्रैक्टिस सेट में, आप लोग इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए, साथ बनाए रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, और इसी प्रकार से हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू।